क्लास 10 एक्सरसाइज 6.3 पार्ट 4। पिछली वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 6.2 तक कराया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ये दो ट्रायंगल आपको दिए हैं, ए बी सी पी क्यू आर। सिक्सटी एट्टी फोर्टी सिक्सटी एट्टी फोर्टी। आपको ये बताना है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं। तो आपने देखा एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। यही आपका आंसर है। आपको यह बताना है कि ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं। आपने बता दिया कि सिमिलर है ट्रायंगल। आगे देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ए बी सी 2, 2.5, 3 बी यू आर 6, 5, 4। देखिए आपने फाइंड आउट किया ए बी अपॉन आर क्यू या क्यू आर, ए बी 2 अपॉन 4, 2 1 2, 2 2 4, 1 अपॉन 2। बी सी अपॉन पी आर, बी सी 2.5 अपॉन 5, पॉइंट हटाए 0, 25 1 जा 25 2 जा। ए सी अपॉन पी क्यू, ए सी 3 अपॉन 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये देखिए ये तो इसमें सेम आए, बिल्कुल सेम। तो आप क्या लिख देंगे, हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। यही आपका आंसर है। आगे देखते हैं फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। ए बी सी, ये एंगल आपको गिवन है 80 डिग्री। टू पॉइंट फाइव और ये लीजिए 3। डी ई एफ एंगल आपको गिवन है 80 डिग्री। सिक्स एंड फाइव, अगर आप देखेंगे 2.5 अपॉन 5, 3 अपॉन 6, ये रेशो 1 अपॉन 2 आ जाएगा और ये एंगल भी सेम है।
तो आपको लगेगा ये ट्राइंगल सिमिलर है, लेकिन आप इसमें लिखेंगे क्या, ट्राइंगल एबीसी इज नॉट सिमिलर ट्राइंगल डीईएफ, नॉट सिमिलर, ये सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो एंगल है वो यहां पे एबी और एसी यानी कि इन दोनों साइड के बीच का है और यहां इन दोनों, तो आप लिख देंगे एंगल इज नॉट सेम बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू साइड्स आर नॉट सेम सेम, टू साइड्स के बीच का एंगल सेम नहीं है, यानी ये 80 था तो ये 80 होता, ये 80 है तो ये आपको पता ही नहीं है कितना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये पॉइंट आपको दे रखा है ओ, ए बी डी और सी, ये एंगल आपको गिवन है 70 डिग्री और ये एंगल आपको गिवन है 125 डिग्री। अब समझिए आप, अगर आप इसको देखें ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है आपको, और स्ट्रेट लाइन जो होती है वो 180 का एंगल बनाती है, यानी कि ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल इक्वल टू 180। ये कौन सा एंगल होगा? डी ओ सी एंगल, डी ओ सी प्लस एंगल, ये कौन सा होगा? BOC एंगल DOC प्लस BOC 125 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल DOC इक्वल टू 180 माइनस 125 55 डिग्री। DOC यानी ये वाला जो एंगल है ये आपने फाइंड आउट कर लिया 55 डिग्री। आप देखिए एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी प्लस डी सी ओ, एंगल डी सी ओ प्लस एंगल सी डी ओ, ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन 180। डीओसी, डीओसी ये आपने फाइंड आउट किया 55। एंगल डीसीओ आपको पता नहीं है, सीडीओ ये रहा 70, 180 डिग्री। ये 70 और ये 55 ऐड करा आपने 125। डीसीओ इक्वल टू 180, एंगल DCO इक्वल टू 180 माइनस 125 इक्वल टू 55। ट्राइंगल DOC इज सिमिलर ट्राइंगल AOB, सिमिलर। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है एंगल ओ बी ए ओ
बी ए वो इक्वल होगा ओ डी सी, एंगल ओ डी सी इक्वल हो गया ये 70 डिग्री। और क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ओ ए बी, ओ ए बी इक्वल होगा ओ सी डी, और ओ सी डी आपने निकाला है मेरा ओ सी डी या डी सी ओ एक ही बात है 55 डिग्री, ये भी आपका आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए आपको गिवन है ए बी सी डी, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 1 है, ये सेंटर पॉइंट इसका नाम O है, ये 6 एंगल है और ये 5 एंगल है। ये आपको गिवन है सब कुछ, एबीसीडी इज ए टेराकोटा। देखिए इन दोनों को देखिए आप, एंगल 5 और 6 ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो आप लिखेंगे एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेट एंगल, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, अल्टरनेट एंगल। जब ये सब बराबर हो गए तो आप क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर ट्राइंगल डी ओ सी, डी ओ सी ए ओ बी है, और जब आप इतना लिख दोगे तो आप क्या लिखोगे, ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल, यहां से चलेंगे आप बी ओ अपॉन ओ डी, प्रूफ करवा रहा है आपको उसने ऐसे लिखा है ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल ओ बी अपॉन ओ बी, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये लाइन है, आप इसे बी ओ ऐसे पढ़ लो या ओ बी ऐसे पढ़ लो, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन आप पढ़ लो, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
2s इक्वल टू पी अपॉन पी आर, ये आपको गिवन है, क्वेश्चन में ही दिया है। हमने क्या काम करा, इनको ऐसे ट्रांसफर कर दिया, इसको हम इधर लाए और इसे इधर लाए, तो ये क्या हो जाएगा क्यू टी अपॉन, इसको इधर लाए क्यू आर इक्वल, ये इधर पहुंचेगा टी आर अपॉन क्यू एस, इक्वेशन नंबर वन। एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, ये हमें कैसे पता पड़ा, ये भी हमें गिवन है क्वेश्चन में। एंगल वन इसके सामने की साइड है, ये पी आर इक्वल टू एंगल टू, इसके सामने की साइड होगी पी क्यू, क्लियर बात। पी आर इक्वल पी क्यू, हमने यहां पी आर की जगह पे पी क्यू रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा क्यू टी अपॉन क्यू आर इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू एस, क्या था ये क्यू एस। अब आप क्या करेंगे इसके बाद, इसको इधर ले आइए, इसको इधर लाइए, पी क्यू अपॉन क्यू टी इक्वल क्यू एस अपॉन क्यू आर। आगे देखते हैं, एंगल पी क्यू एस इक्वल एंगल टी क्यू आर, तो इक्वल है कॉमन, ठीक है। इसके बाद आप कर देंगे ट्राइंगल इज सिमिलर, समझ में आया यहां तक। इसके बाद आप क्या लिख देंगे, ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर ट्राइंगल टी क्यू आर, यही आपको प्रूफ करना था, बाकी क्वेश्चन कराएंगे कल।